अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल वाइब्रेशन इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री एडिशनल का टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पंजाब यूनिवर्सिटी में रिपीटेड है, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया फिजिकल की स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये आलमोस्ट इंशाल्लाह मैं तीन चार दिनों में ना कंप्लीट कर दूँगा जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आए। तो ये है जी फंडामेंटल वाइब्रेशंस होती क्या हैं, पहले इसके बारे में बताया गया है। अ मॉलिक्यूल हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइब्रेशन, सम ऑफ दीज वाइब्रेशन आर टू गुड अप्रॉक्सीमेशन आर एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड एंड अ फंडामेंटल ग्रुप आर कॉल्ड फंडामेंटल। एक मॉलिक्यूल के बाद बहुत सारी वैरायटी की वाइब्रेशंस होती हैं, बट इसमें से जो कुछ होती है ना वो हमारी फंडामेंटल ग्रुप या इंडिविजुअल वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड के साथ एसोसिएट कर रही होती है, उनको हम फंडामेंटल वाइब्रेशन कहते हैं। बाकी जो इसके अलावा वाइब्रेशंस होती हैं उसको हम कंसिडर करते हैं होल मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन। अब फंडामेंटल वाइब्रेशन की कुछ टाइप्स हैं, पहली स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, देन बेंडिंग वाइब्रेशन है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में इस तरह होता है कि हमारा बॉन्ड जो होता है वो या तो स्ट्रेच होता है, ठीक है, या वो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है या क्या होती है कम होती है, ठीक है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमारी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है लेकिन हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आर रिथमिकल मूवमेंट ऑफ एटम अलॉन्ग बॉन्ड एक्सिस इन सच अ वे डैट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो हमारा इंक्रीज होता है वाइल देर इज़ नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ ऑफ एन एटम। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को हम फर्दर टू टाइप्स में क्लासीफाइड करते हैं, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है और एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द टू बॉन्डेड एटम मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। अब देखो नीचे एग्जांपल मैंने मिथिलीन की दी हुई है, इसमें मिथिलीन के मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन उससे जो हमारा सेंट्रल एटम कार्बन एटम है ना उससे किधर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि हमारी जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है उसमें दोनों के दोनों एटम जो कि सेंट्रल एटम के साथ अटैच हैं वो किधर जाते हैं, उस सेंट्रल एटम से अवे मूव करते हैं, परे मूव करते हैं। अब आगे हमारी है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को हम एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इसमें ना एक एटम जो होगा ना, हाइड्रोजन एटम जो मिथिलीन के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम होगा वो एक तो कार्बन की तरफ मूव करेगा और दूसरा किधर मूव करेगा, कार्बन से अवे मूव करेगा, परे मूव करेगा। इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन वन बॉन्डेड एटम मूव टूवर्ड द सेंट्रल एटम एंड द अदर एटम मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, ठीक है। इन मिथिलीन मॉलिक्यूल वन हाइड्रोजन एटम मूव अवे फ्रॉम द कार्बन एटम एंड अदर हाइड्रोजन एटम मूव टूवर्ड्स द कार्बन एटम, ठीक है। इसके बाद हमारी बेंडिंग वाइब्रेशंस आ जाती हैं। बेंडिंग वाइब्रेशंस में इस तरह हैं कि बेंडिंग वाइब्रेशंस में हमारा जो बॉन्ड होता है वो बेंड होता है, मींस उसमें बॉन्ड लेंथ की चेंज नहीं आती बल्कि बॉन्ड एंगल चेंज होता है, ठीक है, बल्कि क्या होता है बॉन्ड एंगल चेंज होता है। अब बेंडिंग वाइब्रेशन आर द टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन इन विच टू एटम बाउंडेड टू अ सेंट्रल एटम इन वो मूव करता है इन सच अ वे डैट कॉजेज इन बॉन्ड एंगल वाइल द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस रिमेन क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। अब बेंडिंग वाइब्रेशंस को हम क्लासीफाई करते हैं टू फोर टाइप्स। पहली है रॉकिंग, दूसरी है सिजलिंग जिस तरह कैंची होती है, ये इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वेजिंग एंड ट्विस्टिंग ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल मूव करती है। अब इसकी फोर टाइप्स हो गई, फर्दर इनको स्टडी करते हैं। रॉकिंग क्या होती है, इन दिस टाइप बाउंडेड एटम मूव बैक एंड फोर्थ इन दी प्लेन, यानी कि जो बाउंडेड एटम है जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ इन दी प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। सिजरिंग जिस तरह कैंची मूव करती है, इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द टू बाउंडेड एटम मूव टूवर्ड्स भी मूव कर सकते हैं और अवे भी मूव कर सकते हैं जिस तरह कैंची हमारी चलती है, ठीक है। अब ये आउट ऑफ द प्लेन वाली आ गई, वो दोनों इन द प्लेन ऑफ वाली थी। वेजिंग में क्या होता है, वेजिंग में हमारा जो बाउंडेड एटम होता है वो स्विंग होता है,
बैक एंड फोर्थ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, जो हमारा बाउंडेड एटम होता है वो बैक एंड फोर्थ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर क्या करता है, मूव स्विंग करता है। और ट्विस्टिंग में हमारा जो बाउंडेड एटम होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है अराउंड द सेंट्रल एटम, जिस तरह रोटेशन होती है। ठीक है, यहाँ तक ही ये हमारी जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं, ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एडिशनल के पेपर में। थैंक यू।